एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं ईश्वरी कल्याणकर आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ चॉकलेट गनाश की रेसिपी विदाउट बटर, विदाउट फ्रेश क्रीम, विदाउट कंडेंस मिल्क, विदाउट न्यूट्रल जेल। तो हम सिर्फ दो इंग्रेडिएंट्स के साथ जैसे मैं बनाती हूँ वैसे ही गनाश बनाएंगे और 110% ये आपको बहुत यूजफुल वीडियो रहने वाला है। तो आप जरूर एंड तक वीडियो देखना, स्किप मत करना। और इस बार हम विदाउट फ्रेश क्रीम बनाएंगे, तो हम बनाएंगे व्हिप क्रीम के साथ और इसकी कंसिस्टेंसी अलग है फ्रेश क्रीम के कंपेरिजन में, तो स्किप मत करना। और अगर आप नए हो चैनल पे तो एक बार जरूर बाकी के वीडियो देख लेना, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना। और अगर आप बेकर नहीं हो फिर भी वीडियो देख रहे हो तो अपने बेकर दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना। तो अभी हम टाइम पास किए बिना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ मोल्डे का डार्क कंपाउंड। तो एक बार आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि ये डार्क कंपाउंड है और मैं डार्क चॉकलेट नहीं यूज करती हूँ, क्योंकि इसके रेट में बहुत फर्क है। अभी आपने से बहुत लोग बोलोगे कि डार्क कंपाउंड में अलग चीजें हैं, डार्क चॉकलेट अलग है, बट गाइस ये बहुत सारी चीजों में यूज होता है और ये सिमिलर है डार्क चॉकलेट के। बट एक ही प्रॉब्लम है, डार्क कंपाउंड सस्ता है, डार्क चॉकलेट बहुत महंगा है और हमें सब कुछ देखना पड़ता है, राइट? मतलब अपने कस्टमर को क्या अफोर्डेबल है क्या नहीं। अगर मैं 600 का या फिर 800 का 1 kg चॉकलेट यूज करूंगी तो केक कितने को जाएगा। तो ये सारी चीजें कैलकुलेट करके ही हम अपना बजट फिक्स करते हैं, बजट के हिसाब से क्या लेना है क्या नहीं वो फिक्स करते हैं। तो ये मतलब मैं ऑलवेज यही यूज करती हूँ। अभी तक मैंने डार्क चॉकलेट नहीं यूज किया है क्योंकि मेरे एरिया वाइज मुझे वो प्रेफरेबल या फिर मैं वो नहीं ले सकती और केक उतना महंगा नहीं बेच सकती। सो आप भी अगर ये लेते हो तो टोटली फाइन, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप ये यूज कर सकते हो। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये 500 का पैक है और इसका मैं 10 kg लेती हूँ। 10 kg का मुझे अभी मतलब जैसे कि कोको पाउडर का रेट बढ़ गया है तो ये मुझे 2700 को 10 kg मिला, और वरना मैं इससे पहले लेती थी वो 2300 तक मुझे 10 kg मिल जाता था, बट अभी रेट्स बढ़ गए हैं तो इसके लिए। तो ये है 500 ग्राम्स का एक पैकेट। अभी हम 500 ग्राम्स का बनाएंगे गनाश। तो जैसे कि ये एक 125 ग्राम्स की है, 125 125, तो इसको हम अभी चॉप करके लेंगे। तो ये है चॉपर, इसके बारे में बहुत लोग पूछते हैं कि ये कहाँ से लिया है। तो ये आपको अमेजोन पे इजीली मिल जाएगा। एक्चुअली ये वेजिटेबल कटर है तो आप वैसे भी सर्च करोगे तो आपको वेजिटेबल कटर करके मिल जाएगा, पर इसका यूज चॉकलेट के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इसको हम एक नॉर्मल मतलब नॉर्मल शेप में कट करके लेंगे। अगर आपने इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे है ना तो एक बार जरूर विजिट करना चैनल को, अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर ही दोगे, बट एक बार विजिट जरूर करना क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैंने ऑलरेडी डाले हैं। और इंस्टाग्राम पे भी मेरा एक अकाउंट है, वहां पे तो बहुत मतलब टाइम से मैं एक्टिव हूं, तो वहां पे भी बहुत सारे डिजाइन है केक के और बहुत सारी इंटरेस्टिंग रील्स है, तो एक बार जरूर जाके विजिट करना, लिंक है मेरे बायो में। तो यहाँ पे देखो इस टाइप में मैंने कुछ यहाँ पे चॉप करके लिया है चॉकलेट, थोड़े पास सिमिलर पीसेस है बट एक्यूरेट सेम होने की जरूरत नहीं है। सो यहाँ पे चॉकलेट तो हो गया, तो हम अभी इसको साइड में रख के थोड़ा सा क्रीम के बारे में भी डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ ट्रोपोलाइट की इको ड्रॉप। इसमें बहुत सारी वैरायटी भी है, प्रीमियम भी है, आप यूज कर सकते हो इससे पहले अगर नहीं किया है या फिर किया है तो भी वो बहुत गुड है। और साथ में बहुत सारे ब्रांड्स भी है, इससे पहले मैं यूज करती थी फियोना, वो भी बहुत अच्छी है, टॉपिंग प्राइड हमारे एरिया का ही ब्रांड था, वो भी बहुत अच्छा लगा मुझे, बट फिलहाल मैं ये यूज कर रही हूँ। अगर आपको इसका रेट चाहिए तो ये मुझे होलसेल रेट में 125 को मिली है, और अगर आप रिटेल में लोगे तो बहुत महंगा मिलेगा, 190 180 समथिंग। तो अभी देखो जैसे कि कुछ कोई भी क्रीम आप यूज कर रहे हो गनाश के लिए या फिर व्हिपिंग के लिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट है ये चिल्ड ही चाहिए बट नॉर्मल फ्रिज वाली चाहिए। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, तो हमें
ऑलवेज इसको स्टोर करना है डीप फ्रीज में, बट जैसे कि हमें यूज करना है उससे पहले 2-3 घंटे निकाल लो और बाहर रखो या फिर रेफ्रिजरेटर में रखो, बट ये हमें लिक्विड ही चाहिए. ओके तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना आपका जो व्हिपिंग क्रीम है वो ज्यादा अच्छा नहीं बनेगा. एक बार आपका गनाश बन जाएगा बट क्रीम बनाते समय प्रॉब्लम होगा. तो जैसे कि ये रेफ्रिजरेटर वाली थी जो अभी लिक्विड ही फॉर्म है, तो यहाँ पे हमने लिया था 500 ग्राम्स ऑफ चॉकलेट. तो अभी देखो हमें क्रीम कितना लेना है. आता जूम करो मिथू. इसको ओपन करके लेंगे. सो यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे जीरो करके लिया है और अभी मैं इसमें ऐड करूंगी क्रीम. जो है 350. ओके 350 ml. यहाँ पे मैंने 350 ml मैंने लिया है व्हिपिंग क्रीम. अभी इसको बॉईल करना है. ओके प्रॉपर तरीके से बॉईल करना है और डबल बॉईलिंग वगैरह नहीं, नॉर्मल डायरेक्टली गैस पे रखोगे तो भी चलेगा. आपके पास माइक्रोवेव है तो आप वहां पे भी गर्म कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. तो अभी मैं इसको बॉईल करके लाती हूँ और इसके बाद की स्टेप्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो यहाँ पे देखो मैंने इसको बॉईल किया है. अभी ये जो चॉकलेट्स है चॉप वाले जुमस गए हाँ, उसमें मैं अभी डालूंगी अभी इसमें मैं पहले आधा आधा क्रीम डालूंगी और इसको हमें प्रॉपर तरीके से मिक्स करना है. और कुछ इस टाइप में वो होता है तो आपको बाकी की जो रिमेनिंग क्रीम है वो सारी ऐड करनी है और इसको अभी वापस से मिक्स करना है. और आप ज्यादातर विस्की यूज करना क्योंकि उससे परफेक्ट होता है अच्छा और जल्दी जल्दी मिक्सिंग होता है. अगर आप स्पैचुला यूज करोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा. सो आपको कुछ इस टाइप में करना है. अभी देखो इसमें ना मैंने बटर यूज किया है, ना कंडेंस मिल्क किया है, ना न्यूट्रल जेल किया है शाइनिंगनेस के लिए, बट फिर भी इसकी फिनिशिंग जो है ना वो अच्छी आएगी क्योंकि आपने अगर कुछ इस टाइप में स्टेप्स फॉलो किए तो ही, वरना आपको प्रॉब्लम होगा. अच्छे से जो कंसिस्टेंसी आनी चाहिए वो नहीं आएगी. सो आपको कुछ इस टाइप में ही करना है. पहले क्रीम बॉइल करना है और चॉकलेट में डालना है. बहुत सारे लोग उल्टा करते हैं, जैसे कि क्रीम और चॉकलेट एक साथ रख दिया गैस पे और उसको बना दिया, तो वो अच्छे से नहीं बनेगा. क्वालिटी गनाश चाहिए तो आपको ये स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे. अभी देखो कुछ इस टाइप में है और उसके बाद आपको स्पैचुला की हेल्प से अगर कुछ साइड में चॉकलेट वगैरह है तो उसको आपको मेल्ट करना है. जैसे कि ये थोड़ा सा बचा था तो इसको अभी हम मेल्ट करेंगे. तो ये पूरा का पूरा लिक्विड ही हो गया. सो ये कुछ इस टाइप में इसकी कंसिस्टेंसी है, पूरी की पूरी लिक्विड ही. अभी भी इसमें थोड़े थोड़े चॉकलेट के पीसेस हैं, इसको मेल्ट करना है तो उसके लिए बस आपको उसको घुमाते रहना पड़ेगा कुछ इस टाइप में. तो ये जैसा मुझे चाहिए था मैंने इसको प्रॉपर मिक्स किया है. तो ये है कंसिस्टेंसी फाइनल और आप इसका मिरर ग्लेस भी देख सकते हो, बहुत ही प्यारा इफेक्ट आता है इसका. और इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी ऐड नहीं है एक्स्ट्रा, सिर्फ दो इंग्रेडिएंट्स है
बस आपका बनाने का तरीका अच्छा हो। तो जैसे कि ये अभी थोड़ा फार नॉर्मल हो रहा है, रूम टेम्परेचर पे आ रहा है, तो ये है मेरा फॉन्डेंट वाला डब्बा जो ऑलवेज मैं यूज करती हूँ। ये एयर टाइट है तो गनाश को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो अगर आपके पास कुछ इस टाइप में है तो आप यूज कर सकते हो, और नहीं है तो आप किसी भी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर सकते हो। अभी ये नॉर्मल पे आ गया है तो मैं इसमें एड करूंगी। तो ये है, और इसको अभी मैं थोड़ा टाइम खुला ही रखूंगी, और उसके बाद इसको ढक्कन करके मैं फ्रिज में रख सकती हूँ। और इसकी शेल्फ लाइफ अराउंड मतलब 1 मंथ तक है, इसको कुछ नहीं होगा अगर अच्छे से स्टोर करोगे तो, और उससे भी ज्यादा हो सकती है अगर आप प्रॉपर स्टोर मतलब एयर टाइट करके डीप फ्रीज में रखोगे तो, बट इतने जल्दी तो आपका खत्म हो ही जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना चैनल को, नए हो तो जरूर एक बार बाकी के वीडियोस देखना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।